हेलो, सबसे पहले अपने परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय पूजनीय श्री देवेंद्र तिवारी जी, जो कि बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष हैं, राधे राधे, परमादरणीय परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बढ़िया बहुत बढ़िया उनका ये शिष्य हृदय से साष्टांग प्रणाम करता है। जय 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 जय। एवं कीर्तन जगत की महान हस्ती जिनसे कीर्तनकार प्रेरणा लेते हैं, आदरणीय दादा श्री लालमन चंचल जी। सत्यता यही है कि कीर्तन की दुनिया में आदरणीय दादाजी का कोई जोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, क्योंकि गाना गाना एक अलग बात है, लेकिन गाना किस लहजे में हो ये बात दादा से अच्छी किसी के पास नहीं है। कीर्तनकार तो तमाम है। जय हो भैया, बीरन भैया। आदरणीय दादाजी के चरणों में उनका ये छोटा भाई साष्टांग प्रणाम करता है और अपने लिए आशीर्वाद की कामना करता है, एवं उनके साथ पधारे उनके सभी सक्षम साथियों का मैं मंच के माध्यम से हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। एवं मेरी छोटी बहन सम्माननीय कुमारी नीलम विश्वकर्मा जी, जिन्होंने रात्रि भर सुंदर सुंदर से गीतों का चयन करके श्रोताओं का दिल जीता है, सम्माननीय बहन जी के चरणों में मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। आदरणीय बड़े भैया सम्माननीय श्री पंडित सुदेश दीक्षित जी, आपके चरणों में आपका यह छोटा भाई हृदय से प्रणाम करता है। एवं हमारे बहुत अच्छे मित्र कहले भाई कहले आदरणीय श्री मुन्ना महाराज जी, कहाँ हैं? कहाँ हैं? हाँ हो महाराज, आपके चरणों में आपका यह छोटा भाई हृदय से प्रणाम करता है एवं अपने लिए आशीर्वाद की कामना करूंगा। आइए, सुबह की बेला है और मैं चाहता हूँ दादाजी फिरोजाबाद की सरजमी से चलकर पधारे आदरणीय बड़े भैया श्री संजय भाई जी, भाई जो कि केएस मीडिया के प्रोप्राइटर हैं और ज्यादातर यूट्यूब पर जो कीर्तन देखने को मिलते हैं वो ज्यादातर इन्हीं के चैनल पे है, क्योंकि कीर्तन का शुभारंभ बड़े भैया के चैनल से ही हुआ है। दो दिन बाद में मिल जाएगा, अब तो तमाम चैनल हो गए हैं, लेकिन सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि केएस म्यूजिक वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इनमें आपको प्रत्येक कार्यक्रम देखने को एवं सुनने को मिलेंगे। बड़े भैया को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद है। चाहता हूँ कि आदरणीय दादाजी यदि आप मेरा एक गीत सुन लें तो आपकी महान कृपा होगी। दादाजी ध्यान मुद्रा में है बेटे, क्योंकि मैंने हमेशा यूट्यूब पर सिर्फ आपको सुना है। अभी नींद में दादाजी, मैं बारंबार आपसे निवेदन करता हूँ, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, बस अपने छोटे भाई का एक ही सुन लीजिए आप। हेलो, और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मेरा यह गीत आपको पसंद आएगा। बस आप लोगों का सभी का ध्यान चाहूंगा। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, क्या गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, और भूली बिसरी यादों से करते, हम बंजारे हैं रिश्तों की तिजारत नहीं करते, और हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। जीतना है तो आप
के मैदान में हमको, क्योंकि हम लोग अपने कबीले से बगावत नहीं करते और भूली बिसरी यादों से एक तस्वीर बनाई है। और गुजरा हुआ जमाना है, लंबी बड़ी जुदाई है। और गुजरा हुआ जमाना है, लंबी बड़ी जुदाई है। और दिल में तेरी याद है, तेरे हाथों पर फरियाद है। हम मुझे थोड़ा थोड़ा ज्यादातर कीर्तन में मेरा समय तो काफी पुराना है, लेकिन मुझे मार्गदर्शन कभी नहीं मिला। संजय भैया जी सत्यता है कि मैंने कीर्तन तो बहुत सुना, लेकिन किसी ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। प्रत्येक दरवाजा खटखटाया मैंने, लेकिन परमात्मा ने एक दिन मेरी सुनी ली और मुझे अपने गुरुदेव पर गर्व है, जिन्होंने मंच के माध्यम से सिर्फ मैंने बोला था और उन्होंने मुझे स्वीकार किया। तो उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कहना है, देखिए कोशिश करूंगा कि ज्यादा समय न लगे, क्योंकि कलाकार और भी बैठे हैं। जिस समय करदम ऋषि का विवाह होने के पश्चात उनकी पत्नी देवहूति आश्रम में पहुंचे, तत्काल कर्दम ऋषि तपस्या में लीन हो गए, बैठ गए। उनकी पत्नी देवहूति 40 वर्ष तक उनकी सेवा करती रही। 40 वर्ष बाद अचानक जब वो तपस्या से जगे और आश्रम में रात्रि में एक देवी को देखा तो कह रहे हैं, देवी इतनी रात्रि में आप कौन है, कहां से आई है और आपका क्या काम है यहाँ? तो उनकी पत्नी देवहूति अपने पति से करी है, कह रही है, स्वामी शायद आप ये भूल गए हैं, मैं आपकी पत्नी देवहूति हूं। मैं जानती हूं कि आप 40 वर्ष बाद समाधि से जगे हैं, इसीलिए शायद आप मुझे भूल गए हैं। कहने लगी देवी, और बोले देवहूति से कर दो, क्या बात है। जब उनकी पत्नी देवहूति ने उन्हें याद दिलाया, क्योंकि वो भूल गए थे, अपनी पत्नी को भूल चुके थे, वो जब याद दिलाया तो यहां मेरी पंक्ति कह रही है, यार कह रही पंक्ति, बोले देवहूति से करदम देवी याद दिलाई है। कैसे? और सच कहते हैं दुनिया वाले, याद की ही प्रभुताई है। और सच कहते हैं दुनिया वाले, याद की ही प्रभुताई है, इसलिए कह रहा हूं। और याद है तो आवाज है, याद है तो आवाज है, भूलो तो बर्बाद है, इसलिए देवी हम मुझे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपने मुझे याद दिलाया इसलिए थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है।
क्योंकि फिल्मी दुनिया वाले भी करे हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। याद है तो आवाज है, भूला तो बर्बाद है, हम मुझे थोड़ा थोड़ा होती कह रहे हैं स्वामी सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा याद, बस ज्यादा नहीं है। यदि आपको संदेह है तो हमारे विवाह के प्रत्यक्ष गवाह कौन है जो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। कह रहे ये होती अपने पति कर्तम ऋषि से कह रहे स्वामी, और पूछो चांद सितारों से पूछो चांद सितारों से जिन्हें अंतस नाद निनाद है, ओ उन्हें पूरा पूरा आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा याद है। और पूछो चांद सितारों से जिन्हें अंतस नाद निनाद है, हाँ उन्हें पूरा पूरा यादगार यादगार अपनी वो याद दुनिया का संवाद है, हम मुझे थोड़ा थोड़ा तो बड़ा है। सौ एक अंतर और सुनिए, क्योंकि इस गीत में चार अंतरे हैं। थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ये कथानक जो आपको मैं अंतिम सुना रहा हूं ये कलयुग से है। जय हो वाचस्पति मिश्र। विवाह होने के बाद अपनी पत्नी भामती के साथ अपने आश्रम पहुंच गए, और आप पहुंचने के बाद क्योंकि वो कवि थे, और आप लोग जानते हैं कि जब कभी कोई कल्पना करता है कोई रचना करता है तो ये शरीर छोड़ देता है कुछ देर के लिए, उतने समय के लिए कहीं और पहुंच जाता है। वाचस्पति मिश्र अपनी कविता में लीन हो गए, और ऐसे लीन हो गए कि 36 वर्ष तक वो अपनी कविता अपना ग्रंथ लिखते रहे। संजय भैया 36 वर्ष। अचानक रात्रि में पवन देव के झोंके से दीपक जब बुझ गया तो उस समय आग जलाने का प्रचलन पत्थर रगड़ कर होता था। उनकी पत्नी भामती ने पत्थर उठाए और जैसे ही रगड़ा चिंगारी के लिए तो उनके कंगन खनक गए, और जैसे ही वो कंगन खनक गए तो वाचस्पति मिश्र का ध्यान टूट गया, और जब टूट गया तो वो कह रहे हैं देवी आप कौन है। देखिए प्रसंग उसे ही बिल्कुल सेम है, ये बात वो भी कह रहे हैं कि देवी आप कौन है। और इतनी रात्रि में एक मुनि के आश्रम में तो देखे उनकी पत्नी भामती कह रही है स्वामी मैं आपकी पत्नी भामती हूँ, आज आप 36 वर्ष बाद अपनी कविता में लीन थे, 36 वर्ष बाद आपकी समाधि खुली है। भवरिया भवरिया। और जब ये बात कही तो यहाँ मेरी पंक्ति कह रही है, अरे कहे भामती त्याग दिया तो आओ
वाचस्पति मिश्र से कह रही है स्वामी कहे भाम दी त्याग किया तुम जग के झूठ जमेले का लेकिन साजन याद कीजिए निज पढ़ने की बेला का आप तो ये भी भूल गए आपने इस जगह के झूठ झमेले को तो त्याग दिया 36 वर्ष बाद आप जगे हैं लेकिन आप ये भूल गई कि मैं आपकी पत्नी भामती हूँ और लेकिन साजन याद कीजिए निज पढ़ने की बेला का तो यहाँ अरे श्री देवेंद्र पिया की पदरज ये हमारे गुरुदेव की प्रथम रचना है लोग कहते हैं कि आदरणीय गुरुजी कोई कीर्तनकार नहीं है और कोई रचनाकार नहीं है तो मेरे आग्रह पर उन्होंने एक गीत की रचना की तो यहाँ अरे कहे देवेंद्र पिया की पदरज पत्नी को प्रसाद है तो यहाँ अब यहाँ वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं अपनी पत्नी से हम मुझे थोड़ा याद है तो फिर उनकी पत्नी भामती कह रही है स्वामी यदि आपको संदेह है तो सुनिए पूछो चांद सितारों से अपने पति वाचस्पति मिश्र से कह रही स्वामी और पूछो चांद सितारों से जिन्हें अंतस नाद निनाद है अंतिम चक्र में एक टुकड़ा और सुनाना चाहूंगा।